मोमेंट ऑफ इनर्शिया में का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझें. इट इज़ डिफाइंड एज द इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक. इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच पॉइंट मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन. ठीक है, यहाँ तक है डेफिनेशन रोटेशन तक. मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको. इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम. यहाँ वर्ड लिया है अलजेब्रिक सम, अंडरलाइन कर देते हैं. ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच पॉइंट मास, मतलब जितने भी मासेज होंगे वो सारे लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट करना पड़ेगा ईच पॉइंट मास एंड स्क्वायर ऑफ पर द या इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मैं आपको समझाता हूँ. देखो, इमेजिन करो मेरे पास में यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, इसकी शेप मैंने ऐसी रैंडम सी बना दी है. और इमेजिन करो कि जो हमको रेड कलर से नज़र आ रही है ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब समझो ये एक स्टोन है और स्टोन के अंदर एक रॉड डाल दिया. अब क्योंकि ये स्टोन अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम सकता है तो ओमेगा लिख दिया मैंने घूमने की को दिखाने के लिए. अब सपोज इस रॉड ये जो स्टोन है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो आपको जो डॉट नज़र आ रहा है ना ये मास सपोज एम वन है और ये अपनी एक्सिस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस आर वन है. ठीक है, ऐसे ही आपको एक मास और दिखा दिया है एम टू, ये अपनी एक्सिस से कितना दूर है, आर टू दूर है. तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो होगा आई इज इक्वल टू एम वन आर वन का स्क्वायर. अब आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो एक बार. इट इज़ डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ, सेकेंड लाइन से पढ़ो, प्रोडक्ट लेना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ ईच पॉइंट मास. तो मैंने मास लिया देखो एम और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर भी कर दिया, मतलब मैंने मास भी लिया एम वन और आर वन का स्क्वायर कर दिया. ऐसे ही हम लिखेंगे प्लस एम टू आर टू स्क्वायर और ऐसे जितने भी हैं उन सबका सम करते जाएंगे और लास्ट में आएगा एम एन आर एन का स्क्वायर. और इस फॉर्मूले को आप ज़रूरी नहीं ऐसे ही लिखो, आप इस फॉर्मूले को और कॉम्पैक्ट करके भी लिख सकते हो, समेशन यूज़ कर लो आप यहाँ पे, एम आई आर आई का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो. और आई की जो वैल्यू है ना वो वन से लेके एन तक चलेगी. तो ये भी ठीक है फॉर्मूला लिखने का तरीका, दिस इज़ ऑल्सो ओके. इसको डाल दो बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है. यूनिट की बात कर लें जल्दी से, मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट केजी और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, मीटर का स्क्वायर. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है. यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और स्केलर क्वांटिटी है. सब बच्चे लिख दो इसका सिग्निफिकेंस. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं या हमें से क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलेंगे इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ये आपको बताता है बॉडी में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अ बॉडी. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन अ बॉडी. ये मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी में ये उसको डिस्क्राइब करता है. अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर आ रहा है तो ये बताएगा कि आपका जो मास है वो अपनी एक्सिस से दूर है. मास तो हर बॉडी में, लेट्स से मेरे पास में
एक मेरे पास ये जो बॉडी दी हुई है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसकी मैंने एक एक्सिस रेड वाली रखी और उसी बॉडी की एक्सिस चेंज कर दी। मास तो उतना ही है, लेकिन आपने एक्सिस चेंज कर दी तो रेड वाली एक्सिस जो है वो सब मासेस के पास पास है, क्योंकि सेंटर से पास कर रही है ऑलमोस्ट। और जो ब्लू वाली एक्सिस है वो कॉर्नर में है ना, थोड़ा सा एज में है, साइड में है, तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्लू वाले में ज़्यादा आएगा। ब्लू वाले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वाले से ज़्यादा आएगा। उसका सिंपल रीज़न ये है कि मास जो है वो दूर हो गया एक्सिस से, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा सीधा लॉजिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एम पे और आर पे। मास तो चेंज करा नहीं आपने, आर अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका आई डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये एक डॉट है, ये एक मास आपको नज़र आ रहा है। अब रेड वाली एक्सिस के तो पास है, लेकिन यही सेम डॉट ब्लू वाली एक्सिस से दूर है, तो ब्लू वाली एक्सिस जितना एक्सिस, तो आप ये समझो जितना बॉडी के अंदर से जाएगी ना एक्सिस, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है कि मास कितना दूर है एक्सिस से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसको रोटेशनल मास भी कहते हैं। इसको रोटेशनल मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करूँगा, पहले इसका क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ मैं इसके अभी, क्योंकि मैं इसको इसके न्यूमेरिकल सामने कराऊँगा अपने, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में ही करूँगा इसको मैं। कुछ सर ये जरूरी नहीं है कि इसके एक्सिस हमें सेंटर से दूर हो। हाँ, एक्सेस कुछ भी दी जा सकती है एग्ज़ाम में, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सेस आपको बीच में से ही दी हो। एक्सेस तो क्वेश्चन का पार्ट होगी, वो आपको दी जाएगी।